दोस्तों आपने प्राइवेट जेट देखे होंगे बहुत, हमने प्राइवेट ट्रेन बुक करी थी, ये देखो सिर्फ अपने ग्रुप के लिए। हाँ जी भाई, स्वागत है आपका इस ट्रेवल वीडियो में और आज हम जाने वाले हैं डार्टमोर नेशनल पार्क। तो अभी मैं यहाँ एग्जेटर में रहता हूँ और एग्जेटर से प्लीमत के रास्ते पे बीच में कहीं पड़ता है वो। यार मौसम तो काफ़ी सही हो रहा है, बादल हो रहे हैं लेकिन उम्मीद नहीं है बारिश की, क्योंकि वेदर ऐप में मैंने देखा था वहाँ पे भी सन ही दिखा रखा है मोस्टली। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज निकलेंगे कि बारिश ना पड़े। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहा था, 9:30 बजे की हमारी ट्रेन है तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। अगर हम ट्रेन से जाएं तो 25 मिनट की दूरी पर ओकहैम्पटन स्टेशन लोकेटेड है, जो कि सबसे नज़दीकी ट्रेन स्टेशन है नेशनल पार्क जाने के लिए। और फिर वहाँ से करीबन 1 घंटे की वॉक है डैम तक जाने के लिए, जो कि सबसे मेजर व्यू पॉइंट है वहाँ का। अब मैं जल्दी से रेडी होता हूँ, मेरे सारे दोस्त नीचे वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। फाइनली हम लेट तो नहीं हो रहे भाई, देख 9:20 की ट्रेन है, 9 बज चुके हैं। इसकी नहीं है, 9:36 की है। ओके 9:30 की है, बच गए भाई बच गए। तो अभी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, हम वापस आ चुके हैं सेंट डेविड स्टेशन पे, जहाँ पर मैं पहले दिन उतरा था, यानी कि 13 जनवरी को। जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम पहुंच चुके हैं सेंट डेविड स्टेशन पर। हम तो लेट होने वाले थे भाई, बच गए भाई। अरे मेरे तो ट्रेन छूट गई थी, तूने पहले ट्रैकिंग कर रखी है ना। हाँ भाई गाइस, ट्रैकिंग वाले व्लॉग्स लाइव है, देख सकते हो आप भाई। हमने पता है अपना पेपर छोड़ा कल, क्यों? हमें कॉन्ट्रोवर्सी देखनी थी किसकी रजत दलाल और आई एम आउट ऑफ दिस गाइस। जैसा आपने प्राइवेट जेट देखा होगा ना, वैसे हमने प्राइवेट ट्रेन मंगाई है। इतनी सी ट्रेन है भाई, ये पूरी की पूरी एक फ्रेम में आ रही है। और ये अपने टीटी साहब, तो मैं अंदर से ट्रेन दिखा देता हूँ भाई पूरी, ये देखो खत्म। क्या भाई मेगा मेट्रो का एक कोच इससे बड़ा होता है? तो भाई अभी नेक्स्ट स्टेशन है ओकहैम्पटन के नाम से और हमें यहाँ ओकहैम्पटन पर उतरना है। मतलब करीबन हमें 15 मिनट हुई है चलते चलते और इतने में हमारा स्टेशन भी आ गया। अब पता नहीं यहाँ से नेशनल पार्क तो काफ़ी दूर है, जहाँ तक मैंने गूगल मैप्स पर देखा था, तो शायद किसी और ट्रांसपोर्ट माध्यम से हम जाएंगे आगे। भाई ट्रेन रुक चुकी है यहाँ पे ओकहैम्पटन स्टेशन पे, अब यहाँ से आगे का सफ़र देखते हैं हमारा कैसा रहेगा। तो भाई ट्रेन आपको दोबारा दिखा देता हूँ, हमारी प्राइवेट ट्रेन बहुत ही छोटी सी। तो ये काफ़ी सही हिसाब है इनका, जितने लोग होंगे उस हिसाब से ट्रेन का साइज़ भी डिफर करता है। और ऐसा नहीं है कि अपनी प्राइवेट ट्रेन थी, काफ़ी इंडिविजुअल पैसेंजर्स भी चढ़ रहे थे। एंड अभी हम ओकहैम्पटन पे आके रुके हैं, यहाँ से आगे का सफ़र पता नहीं कैसे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से करीबन अभी भी आधा घंटा पौना घंटा दूर है अपना नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े वगैरह है, अगर कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लेने हैं तो। फिर हमने ट्रेन स्टेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और एक भाई साहब ने आके हमें बताया कि आगे का सफ़र हमें पैदल तय करना होगा और हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो गाइस अभी हम अपना हाइक कंटिन्यू कर रहे हैं। मार ली गाड़ी फिर रास्ते में थोड़ी दूर चल के हमने एक छोटा सा ट्रैक डिस्कवर किया साइट सीन के लिए। तो भाई यहाँ से अपना ट्रैक रियल ट्रैक स्टार्ट होता है, पीछे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था करीबन, ये देखो भाई मेरे ने स्टार्ट कर रखा अपना वर्कआउट। तो करीबन 3 किलोमीटर चलने के बाद स्टेशन से अब ट्रैक स्टार्ट होता है मज़ेदार वाला। लेट्स डू द हाइक और देखते हैं ऊपर जाके क्या सीन्स देखने को मिलेंगे, लेट्स गो। और साइड में एक रिवर फ्लो कर रही है, इसका पानी बहुत ही क्लीन है, जैसे कि इसके कलर से आप देख सकते हो ब्लू कलर एकदम। और इसकी ट्रेल बड़ी प्यारी सी है ट्रैक की, इसको ट्रैक बोलेंगे हाइक ही बोलेंगे क्योंकि ट्रैक तो थोड़े से और स्टीप होते हैं। और यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगा रखी है। एंड सही है मैं ये वाले शूज़ पहन के आ गया क्योंकि पूरा मडी वाला इलाका है ये भाई। ट्रैक शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ये छोटा सा व्यू पॉइंट था जहाँ लेके आए, लेकिन यहाँ पेड़ लगे हुए हैं तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। स्मेल तो मीठी है, कैसा था भाई टेस्ट? मुश्किल से 10-15 कदम लिए और ख़त्म हाइक। तो अब आगे चलते हैं और जैसा कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, ये पहले यहाँ पे मेन ट्रेन स्टेशन हुआ करता था, फिर इसको शिफ्ट कर देता आगे, ये जहाँ पे हम उतरे थे उस जगह पे। मेरे ख्याल से वहाँ आगे जाके पहाड़ वगैरह है जिसका हम पूरा ट्रैक करने वाले हैं ऊपर तक। तो भाई मेरे पीछे यहाँ बहुत सारी ट्रेनें वगैरह खड़ी हुई हैं। तो अभी हम एक ब्रिज पे चढ़े हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है ये, लेफ्ट साइड में डैम है और राइट साइड में भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं ग्रीनलैंड्स के। वहाँ जा सकते हैं, देखा मैंने सही आई डी बता रहे हमें यहाँ से लेफ्ट लेके डैम चढ़ना होगा ऊपर,
और वहाँ से राउंड ट्रिप जाएगी अपनी सीधा स्टेशन पे जहाँ से हमने ट्रैक पूरा स्टार्ट किया था। तो आ गया भाई, बहुत देर वॉक करने के बाद रिजर्वायर आ गया, लेफ्ट में डैम है, बढ़िया व्यू आ रहा है और अब वहाँ पे जाएंगे पूरा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, अगर आप देख सको तो देखो ऊपर ना पहाड़ पे भी लोग हैं जो ट्रैक कर रहे हैं और वहाँ पे शीप्स वगैरह, तो अगर वहाँ जा पाए तो प्रॉपर ही हाइक हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। इस रिजर्वायर का नाम है मेल्टन रिजर्वायर। तो भाई यहाँ पे लोकल रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे जो ट्रैक्टर चल रहा है नीचे वो रास्ता बना रहा है यहाँ पे और ट्रेल्स बना रहा है ताकि और ज़्यादा लोग एक्सप्लोर करने जा सकें। और उन्होंने कहा भाई तुम कहीं भी जा सकते हो यहाँ से, तुम्हें जहाँ घूमना है घूमो, ऊपर चले जाओ ट्रैक करने के लिए। पहले भी सांस चढ़नी स्टार्ट हो, पहले ही तुम्हें थोड़ा सा व्लॉग का ओवरव्यू दे देता हूँ भाई। अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं, वो पूरा ब्रिज क्रॉस करके हम यहाँ पे आए हैं। ये पतली सी ट्रेल है, बिल्कुल तुंगनाथ वाला जैसा रास्ता था वैसे ही ट्रैक है, ऊपर तक जाएंगे, ऊपर जाके सांस फूल जाएगी तो वहाँ पर मैं शायद ना ही बोलूँ। पर यार जो व्यू देखने को मिल रहा है ना वो देखो यार, पूरी जगह धूप है लेकिन उस वाले स्पॉट पर जो क्लाउड की शेडो पड़ रही है ना, कितना फैसिनेटिंग लग रहा है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप निकल सकती है। आज इतना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने पोंचो पहन रखा था, अम्ब्रेला निकाल लिया था और अब फिर इतनी तेज़ धूप आ गई। तो भाई अपना ट्रैक ख़त्म हो गया था और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, जैसे मैंने बताया था हम नीचे आए थे कॉटल्स इन के नाम से, एक कैफ़े टाइप है, इन है यहाँ पर, देखते हैं अगर हमारा डाइनिंग हो पाए तो, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है, करीबन 2 बज रहे हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही है। पूरे रास्ते हाईवे पे चलते हुए आए, कितने देर हो गए मैं चलते हुए भाई, देखो हमें करीबन 2.5 किलोमीटर चले हैं हम सीधा हाईवे पे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, हाईवे के साइड साइड में जो भी फुटपाथ था उससे जा रहे थे। तो यहाँ पे अपना लंच करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे वापस अपने ओकहैम्पटन ट्रेन स्टेशन के लिए जहाँ से हमने अपनी ट्रेल स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पे पहली बात तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे लेने के लिए, सब कुछ बीफ पोर्क स्टीक सब कुछ नॉनवेज, वेजिटेरियन के नाम पे बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह थे बहुत महंगे, ओवरली प्राइस, लाइक 15 pounds का एक पिज़्ज़ा, और वो मैं पता है बकवास हुआ क्योंकि हमने कॉफ़ी ली है, ये भी इतनी खास नहीं थी, मतलब बहुत ही बेकार कॉफ़ी यार, मैं घर पे बना दूंगा इससे 100 गुना बढ़िया, और ये भी हमें करीबन 3 pounds की पड़ी है। तेरी वाली कैसी है? बहुत बकवास, बहुत ही ज़्यादा प्राइस के मामले में, इतनी गंदे प्राइस, वही यार वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ना ये वही है हाईवे पे जो कैफे होते हैं उनके ओवर प्राइस होते हैं क्योंकि ऑप्शन होता नहीं है लोगों पे, और कुछ चाहिए पेट भरने के लिए तो भीड़ इतनी थी नहीं यहाँ पे, वही है रिच लोग बैठे हुए थे काफ़ी सारे, कुछ भी मंगा रहे हैं खा रहे हैं, क्या पता नॉनवेज अच्छा हो, मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, क्या पता मीट अच्छा हो, इसने भी मीट ट्राई नहीं किया, मैंने भी नहीं ट्राई किया, कह रहा कॉफ़ी बेकार है, वो भी ऐसे ही होगा, ओवर प्राइस था 15-16 pounds का एक बर्गर। तो अब यही सोचा है कि थोड़ा कॉफ़ी पी रहे हैं उसके बाद चलेंगे अपने स्टेशन पे, वहाँ पे जो शॉप थी छोटी सी उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे पेट भरने वाले, और फिर अल्टीमेटली जब जाएंगे अपने घर के पास सबवे है, सबवे खाएंगे भर के। तो भाई हमने एक और बुद्धि वाला काम कराया, हमने सोचा है वो जो पब जहाँ पे हमने खाया था लंच उससे हम बस ना लेके पैदल चलते हैं स्टेशन तक, जो है करीबन 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस पे, और अभी आधा हो गया यानी कि 30 मिनट और हमें डायरेक्टली वॉक करनी है हाईवे पे, ये देखो पूरा हाईवे है और 2.1 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। हम तो भाई एथलीट आदमी हैं, जितना मर्जी चलवा लो, बस एक दिक्कत है यहाँ फुटपाथ नहीं है हाईवे पे, अगर पुलिस वुलिस ने पकड़ लिया, किसी ने गाड़ी गोड़ी चला दी ना मेरे पीछे से तो कुछ नहीं कर सकता मैं, तो ये हमारा डिसीजन गलत था, बाकी तो ठीक ही है। हम तो भाई कोने में चल रहे हैं अपना मजे मजे में, लेकिन ये जो पेड़ है ना, ये जो साइड में जो घास है इसमें है भाई कांटे, तो एक आधी बार मेरे को चुभ भी चुका, बट व्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं, इतनी बढ़िया सांस ले पा रहा हूँ मैं, मतलब इतनी देर अगर मैं नोएडा में चलूँ ना खांसी उठ जाएगी, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया गाड़ियों के दर्शन हो रहे हैं, 2-seater, 4-seater कन्वर्टेबल, हाँ हाँ हाँ। तो भाई यहाँ पे एक ओकहैम्पटन कैसल का बोर्ड लगा हुआ है, अगर रास्ते में पड़ा तो बिल्कुल चलेंगे यार वहाँ पे, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ड्रिफ्टिंग का, तो इस वाली रोड पर ड्रिफ्ट करते हुए जाना होता है। तो भाई ये रहा ओकहैम्पटन कैसल, रुको यार आगे से फोटो दिखाता हूँ, अभी आगे से इसका रास्ता है ट्रेल पूरी, वहाँ से चलते हैं। ब्रो ये ओपन नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से कोई और रास्ता होगा इसका, शायद अलाउड नहीं होगा जाना, पता नहीं यार। तो हमने चेक किया है यहाँ पे लिखा रहा है टेम्प्रेरी क्लोज्ड, ये रहा भाई आपका ओकहैम्पटन कैसल, तो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ नहीं जा पाएंगे, अपने ट्रैक डाउन को कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से ट्रेन पे पहुँचना है।
4:30 की ट्रेन है अपनी, और जहाँ तक हमने अंदाज़ा लगाया है ये एक इनका रिटायरमेंट होम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे स्वीट से घर बने हुए हैं, साथ में गैराजेज है और सीटिंग एरिया ही है। देखो भाई पीछे रिवर, और ये प्यारी इस रिवर की ट्रेल जा रही है साथ साथ में। इस गांव की या फिर इस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आ रही होगी, मेरे को अभी पता नहीं कि मैं अभी कौन से गांव से गुजर रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर माहौल है यार यहाँ का, चिड़िया की आवाज़, बहुत सारे डॉग्स वगैरह इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखो प्यारा सा ब्रिज आया यहाँ पे क्रॉस करने के लिए, दोनों तरफ रिवर का फ्लो देखो यार कितना प्यारा और कितना साफ पानी है, मतलब नीचे इसकी बॉटम लेयर भी दिख रही है हमें रिवर की। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे यहाँ पे। तो हम सही चल रहे हैं यार, मैं बीच में तक हो गई थी लेकिन सही है, 800 मीटर रह रहा है ऊपर चढ़ के सीधा अपना ट्रेन स्टेशन आ जाएगा। अपने बाकी दोस्त पता नहीं पीछे रह गए, उन्हें लग रहा शायद हम गलत जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। अब बात आ चुकी है ईमान पे। तो भाई देखो ये MG की कार देखने को मिली है, जिसके रूमर्स आ रहे थे इंडिया में लॉन्च होने वाली है, MG4 हैचबैक, कितनी सुंदर लग रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन स्टेशन पर, जहां से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। चार बजे एग्जैक्ट ऊपर चलते हैं, कैफ़े है क्यूट सा जहाँ मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब कुछ खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लगी है, सांस फूल चुकी है, और जैसे कि मैंने दिखाया था वहाँ पब में भी हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि सब नॉन वेज था, है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, लेकिन वही अपनी कॉफ़ी एक सहारा है और साथ में कुछ चॉकलेट्स ले लेंगे। जस्ट बंद हुई है, 4 बजे बंद होनी थी, जस्ट बंद हुई है, फिर भूखे रहो पूरे रास्ते। भाई 2 मिनट पहले आ जाते यार, बैड लक साथ नहीं छोड़ रहा, भाई ने थोड़ा हेल्प कर दिया था, जैम के साथ ब्रेड लगा के लाया था, थैंक्स ब्रो, शाउट आउट, अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दे। तो भाई अपने कुंज मेरे साथ चला है इसने पूरा ट्रैक, तो ये बताएगा अपना एक्सपीरियंस, मैं तो अपना शेयर कर ही रहा था, बताओ भाई। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, हमने 2 घंटे का ऑलमोस्ट ट्रैक किया, अच्छा सीनरी था, रिवर साइड था, फिर बाद में फोटोज तो बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, और मेन चीज़ थी फोटोजेनिक जो लोकेशन थी ना भाई, दिल खुश हो गया, सीनरी भी काफ़ी अच्छे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्दी नेचर के हैं, तो वो काफ़ी अच्छा था। ये भाई भी है क्रुनल, हेलो, बताओ भाई कैसा रहा सिस्टम आपका ट्रैक का? बहुत बढ़िया रहा, मैंने तो बिल्कुल सोच के रखा था, इकलौता बंदा था जिसने टिफिन लाया था इन लोगों में। हाँ भाई, इसने एक और जान बचाई सिद्धांत के बाद, वो थोड़ी ब्रेड वगैरह लाया था और भाई ने प्रॉपर सब्जी, सुबह 7 बजे उठ के मैंने खाना बना के रेडी रखा था, मुझे भी लगा था सब लोग आएंगे, अगर थोड़ा सा भी मुझे आइडिया रहता तो मैं डेफिनेटली ना थोड़े ज्यादा रोटियां बना लेता 5 लोगों के लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं आया, मेन बीटी तो यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट बंद हो गया जस्ट 4-5 मिनट पहले हमारे पहुंचने से, तो कोई बात। शुरुआत में वेदर थोड़ा खराब था, शुरुआत में बरसात ने पकड़ लिया था, पर बाद में पूरा जब बंद था वो भी फन था, सारी एक्सपीरियंस और हम आते वक्त भी ट्रैक करके आए, बाकी लोग बस से आए, बट हम आते वक्त भी हमारे पास ऑप्शन था बस का, लेकिन हमने बोला नहीं ट्रैक करके आएंगे, क्योंकि यहाँ की सीनरी इतनी अच्छी है ना, क्या बताएं आपको। तो स्ट्रेट 1.5 घंटे की वॉक थी स्टेशन से लेके ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, तो ठीक है यार, हेल्दी लड़के हैं यार, फिटनेस वाले बंदे हैं। टाइम टू गो बैक, ट्रेन आ चुकी है। तो बस यहीं तक था यार आज की इस वीडियो में, होप आपको जरूर मजा आया होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।